और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। हमारा मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कैसा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, वहां पर स्थित है। मोहाली में इसका कैंपस है। इस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 23,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उन 23,000 स्टूडेंट्स में से तकरीबन 2,200 के करीब जो स्टूडेंट हैं वो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। जी 2,200। ये स्टूडेंट्स मैं आपको जो 2,200 बता रहा हूं, ये वो 2,200 स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी पास आउट भी हुए हैं, अभी उनकी फिगर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उन 2,200 बच्चों से हमने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में जो हमें कुछ फीडबैक्स मिले, उस फीडबैक के बेसिस के ऊपर हमने कुछ फैसिलिटीज को यहां पर लॉन्च करने का कुछ जो है अपना वो बनाया। उनमें से मैं आपसे 3 से 4 जो फीडबैक्स जो हमें यूपी के स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला जो उन्होंने फीडबैक हमें दिया वो ये दिया कि उत्तर प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई भी प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग की सुविधा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि हमें अपने लाइफ टाइम में, जो हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें अपने लाइफ टाइम में 3 बार अपना करियर चूज करने की ऑप्शन मिलती है। एक मिलती है 10th के बाद यानी कि मैट्रिक के बाद, दूसरी बार हमें जो चॉइस मिलती है वो मिलती है +2 के बाद, और तीसरी बार हमें फिर दोबारा से एक बार चॉइस मिलती है ग्रेजुएशन करने के बाद। यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तब आपको एक तीसरी बार फिर मौका मिलता है कि आपने अपना करियर जो है वो क्या चूज करना है, कौन सी फील्ड में चूज करना है। अगर इस तीन पड़ाव में अगर आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप अपने करियर को सही तरीके से सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं कि जैसे इंजीनियरिंग जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऐसी फील्ड मानी जाती है कि +2 के बाद जो है इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखें कि इंजीनियरिंग के अंदर जो 5 कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ये 5 मेन फील्ड्स हैं। इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं जैसे केमिकल है, आपकी एरोनॉटिकल है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन ये 5 फील्ड्स मेन मानी जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5 फील्ड्स में से कैसा चुना जाए, कौन सी चुनी जाए जिसके हिसाब से आपका वो। अक्सर आपने सुना होगा ये, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें या किसी भी उनके पेरेंट से पूछें कि आपने ये फील्ड कैसे चूज की, तो आपको 4 ही आंसर मिलेंगे। पहला आंसर होगा मेरे स्टूडेंट को, वो बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि जो वो राइट स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेगा उसी के बेसिस के ऊपर उसको सारी उम्र अपना करियर बनाना है, अपना करियर चलाना है। इसके अलावा जो हमारा जो सेकंड फीडबैक था वो ये था कि बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं आगे अच्छी जगह पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई ना कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। तो उसके लिए हमने जो है CU SAT, ये आपके पीछे जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, CU SAT का ऑल इंडिया का एक एग्जामिनेशन है जिसको हम स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका आज से यूपी के स्टूडेंट्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो खोला जा रहा है। इसके अंतर्गत 800 सीटें टोटल ऑल इंडिया बेसिस पे, 800 सीटें जो हैं वो हम स्कॉलरशिप के बेसिस पर देंगे, जिसमें टॉप जो सीट्स होंगी, कुछ सीट्स जो होंगी उसमें 100% जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी उसमें हम 50% स्कॉलरशिप देंगे, नेक्स्ट कैटेगरी में 25%, और जो लास्ट कैटेगरी होगी उसमें 10%। इसमें
मैं वही बता रहा हूँ सर, 800 कोर्स की गई है, 300 सीट्स जो है एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग में रखी गई है और 500 सीट्स जो है वो नॉन इंजीनियरिंग में रखी गई है। नॉन इंजीनियरिंग में जैसे एनिमेशन का कोर्स है, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, मास कॉम जर्नलिज्म का कोर्स है, इसके अलावा हमारे पास टूरिज्म का कोर्स है। सो बेसिकली अलग से जो इंजीनियरिंग यानी कि नॉन टेक्निकल जो होते हैं वो सारे कोर्सेज नॉन इंजीनियरिंग में है, 500 जो सीटें हैं वो उसके अंदर है। इन 800 सीटों में से 240 सीटें एक्सक्लूसिवली यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, एक्सक्लूसिवली। सो बेसिकली हमारे पास जो यूपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल, क्योंकि मेरे पास वहां पर 23,000 बच्चा पढ़ रहा है इस समय मेरे कैंपस में, तो 23,000 बच्चे में से 2,200 बच्चा जो है वो सिर्फ यूपी से है।